मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर झांसी के विभिन्न क्षेत्रों में बाइक रैली निकालकर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। मोदी सरकार को 4 साल पूरे हो चुके हैं और अगले चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, जहां देश की सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर महागठबंधन बनाकर 2019 में मोदी को रोकने की योजना बना रही हैं, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ता और नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाकर उनमें एक नई उम्मीद का भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। बबीना विधायक राजीव सिंह परीक्षा के नेतृत्व में झांसी में 3 स्थानों पर रैली निकाली गई, जिसमें चिरगांव से बड़ा गांव तक, खैलार से बबीना तक और बरुआ सागर क्षेत्र में बाइक सवार कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोक कल्याणकारी सरकार को 4 वर्ष पूरे हो गए। उस सरकार की उपलब्धि के रूप में एक सुशासन रैली युवा मोर्चा ने निकालने का एक संकल्प लिया है। ये पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में एक हम लोगों ने स्थान तय किया है। इसमें BHEL बबीना विधानसभा में 3 जगह रैली निकल रही है, एक बरुआ सागर में निकल रही है, एक बड़ा गांव से चिरगांव की तरफ जा रही है, एक BHEL में जो हनुमान जी का मंदिर है यहाँ से हम लोग बबीना तक जाएंगे खैलार से। और योगी जी और मोदी जी की कल्याणकारी सरकार जो 4 साल की उपलब्धियाँ हैं देश के लिए बेमिसाल साबित हुई हैं। न्यूज़ वीक के लिए झांसी से मनीष अली की रिपोर्ट।